भारतीय नौसेना ने 16 जुलाई 21 को सैन डिएगो के नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में आयोजित एक समारोह में अमेरिकी नौसेना से अपने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MRH के पहले दो को स्वीकार किया। समारोह ने अमेरिकी नौसेना से इन हेलीकॉप्टरों के औपचारिक हस्तांतरण को चिन्हित किया। भारतीय नौसेना के लिए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत महामहिम रणजीत सिंह संधु द्वारा स्वीकार किया गया था। समारोह में वाइस एडमिरल केनेथ व्हाइटसेल, कमांडर नेवल एयर फोर्सेज यूएस नेवी और वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ DCNS भारतीय नौसेना के बीच हेलीकॉप्टर दस्तावेजों का आदान प्रदान भी हुआ। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन USA द्वारा निर्मित MH-60R हेलीकॉप्टर एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जिसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स सेंसर के साथ कई मिशनों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से 24 हेलीकॉप्टर अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत खरीदे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टरों को कई भारतीय विशिष्ट उपकरणों और हथियारों के साथ भी संशोधित किया जाएगा। इन MRH को शामिल करने से भारतीय नौसेना की त्रिआयामी क्षमताओं में और वृद्धि होगी। इन शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों का दोहन करने के लिए भारतीय चालक दल का पहला बैच वर्तमान में USA में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।